अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ रोही के साथ मैं हूं नायला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। कहरोड पक्का डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर कैसर अब्बास लोधरा, डिप्टी कमिश्नर लोधरा की हिदायत पर गैर कानूनी बरामद शुदा चीनी बाजार में सरकारी नर्ख पर फरोख्त की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रऊफ माहर की हिदायत पर गैर कानूनी तौर पर स्टोर की जाने वाली चीनी को बाजार में सरकारी रेट पर फरोख्त किया जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद फुरकान हमरा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज लोधरा कर रहे हैं। जिन दुकानों पर जखीरा शुदा चीनी फरोख्त के लिए भेजी गई है, इन दुकानों की सख्त निगरानी की जा रही है ताकि चीनी कंट्रोल रेट पर अवामनास को मैसर हो। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रऊफ माहर ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अहकाम पर जखीरा अमदोजों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी और मसनू किल्लत करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वॉइस ऑफ रोही न्यूज।